एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है, पीडीए के लगातार विकेट कैसे देख रही है और क्या कहना चाहिए? मैं समझती हूँ कि चुनाव के दौरान सामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है, और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। और जो समाज, अब आप बोलेंगे, नेक्स्ट सवाल करिए। पल्लवी पटेल जी ने भी पार्टी में रहते हुए और बगावत के सुर सामने ला दिया कि राज्यसभा कैंडिडेट को वोट नहीं करने, कहती है कि पीडीए के नाम पर छलावा कर रही है। पल्लवी पटेल जी मेरी बहन जैसी हैं और बहुत सम्मान है मेरा, मेरे हृदय में उनके लिए। और समाजवादी पार्टी के सिंबल से पल्लवी पटेल जी लड़ी थी और जीती थी। हम चाहते थे कि पल्लवी पटेल की जो माता जी हैं वो भी समाजवादी पार्टी से जीते और वो भी सदन तक पहुँचे, विधानसभा, लेकिन वो अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ी और पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ी और वो सदन तक पहुँची। हमें खुशी है और आगे भी इस तरह की कोई बात होगी तो हम पूरा समर्थन करेंगे पल्लवी पटेल। पीडीए में, पीडीए का मतलब जो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, तो क्या दलित और अल्पसंख्यक महिला नहीं हो सकती थी इन तीन कैंडिडेट्स में राज्यसभा के? मैं समझती हूँ बहुत छोटी लिस्ट थी तीन लिस्ट की, और आपने अब जो कल लिस्ट जारी हुई है आप उस लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोकसभा की लिस्ट जारी हुई आप उसकी बात करिए, आप कहाँ छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेताजी के समय से पीडीए की बात करी है, पीडीए के लोगों को आगे लेके आए हैं। और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो यह नहीं है कि पीडीए तक ही सीमित है, हम अगड़ों को भी साथ लेके चले हैं, गरीबों को भी, और जो जो भी शोषित वर्ग है उन सबको लेके आगे चलते आए हैं, पीछे भी और चलते रहेंगे। कांग्रेस से गठबंधन होने की लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं, और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको क्या यात्रा में शामिल होने वाले राष्ट्रीय? मैं तो मेनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। आपके चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? 24 में आप भी कैंडिडेट हैं यहाँ से, आप क्या इस बार मेनपुरी के समस्त लोग जो है उन्होंने भरपूर प्यार दिया है, सम्मान दिया है, और मैं समझती हूँ जिस तरह पिछली बार लोकसभा सीट मेनपुरी ने समाजवादी की तो विचारधारा का समर्थन किया था, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पिछले वोटों से भी बढ़ चढ़ के इस बार हम जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होगी तो कैसी है? अभी चर्चा का इस बारे में सुने भी नाम नहीं है। वो समाजवादी पार्टी का मामला है तो जल्दी आपको पता चल जाएगा कौन कहां से लड़ रहा है। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत भी कूद गए, बता रहे हैं कि पहले से भी बड़ा आंदोलन होगा। विपक्षी यानी सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों का षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी जानते हैं कि किसान पूरे जो हिंदुस्तान का परेशान है, और इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान निकल के बाहर आ रहे हैं और उसमें असलों का इस्तेमाल हो रहा है, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, और इस तरह के सोनिक हम लोग सुनने में आया है कि वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि उनकी हियरिंग एड जा सकती है, मतलब सुनने की शक्ति और क्षमता जो हो सकती है उसको नुकसान पहुँच सकता है। मीडिया वालों को मैं देखा है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स, टोपी लगा के, हेलमेट्स लगा के वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन हमारा जो किसान है जो सरहदों में बैठा हुआ है दिल्ली के, वो बिना किसी इस तरह के यंत्र पहने बैठा हुआ लगातार घायल हो रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। 2000 जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तब तीन कानून वापस लिए गए थे, और यह सरकार ऐसी ही है, चुनाव के हिसाब से ही अपने फैसले करती आई है और करती रहेगी। पुलिस भर्ती भी जो निकाली है आज, तो आप जानते हैं उसमें भी कितनी धांधली हुई है, पेपर पहले से लीक हो गया है। तो सरकार इस तरह जब 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 इलेक्शंस आएंगे इस तरह के मुद्दे लेकर आएगी सर। क्या सभी भी कह रही है अभ्यर्थी आपके पास आए? आप किससे दिखती है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोकसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी को ये बात भी कहनी चाहिए कि हमने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, हम अग्निवीर की क्या व्यवस्था लेके आए हैं युवाओं के लिए, हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम खाद इतनी महंगी क्यों कर रहे हैं, हम खाद में चोरी क्यों कर रहे हैं, हम मवेशियों जो आवारा पशु हैं उनका समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे। तो मैं समझती हूँ बीजेपी के लोगों को ये बात भी कहनी चाहिए, इस बात को नहीं कहना चाहिए कि हम 80 में से 80 आए। पुलिस अभ्यर्थी, पुलिस वाले उसको लेकर आपको ज्ञापन दे दिया? जी हाँ, व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में। आवाज ले जाना नहीं, अब ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार डिसाइड करेगी कि इसमें उसको एक कमेटी बना के इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये अन्याय होगा हमारे युवाओं के साथ अगर पेपर लीक हुआ है उसके बावजूद भी इस तरह की भर्ती आगे बढ़ती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, कितना बड़ा नुकसान कर सकती है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अब पीडीए के तहत चुनाव में जा रहे हैं, उसमें दलित भी है और दलित। बसपा के बारे में मैं नहीं बोल सकती।
मैडम सपा और कांग्रेस की टूट को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक कोई सेटिंग नहीं बन पाई है? समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोगों को चुनाव लड़ाने हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे डिसीजन ले चुके हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मैं समझती हूँ मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना करने जा रही है। क्या समाजवादी पार्टी की बसपा से, जैसा कि आपने बताया बसपा कहने को तैयार नहीं है, क्या गठबंधन की बात आगे जारी है? समाजवादी पार्टी बीएसपी को फिर से गठबंधन में लाना चाह रही है, इंडी गठबंधन? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। पार्टी का गठबंधन हो गया है, क्या कहना है?